एक बार एक मंत्री सभा में सभी लोगों से एक सवाल पूछता है। किसी नगर में एक गरीब आदमी रहता था जिसके पास सिर्फ एक हथिनी थी। वह उस हथिनी को पूरे नगर में घुमाता फिराता रहता था और नगरवासी भी उस हथिनी को कुछ ना तो कुछ खाने को देते रहते थे। उनका कोई ठिकाना नहीं था, जहाँ रात होती वहाँ डेरा जमा लेते थे। एक समय आया जब वह हथिनी बच्चे को जन्म देने वाली थी। एक दिन हमेशा की तरह उन्होंने एक जगह जब डेरा जमा लिया, तब उस दिन रात को भारी बरसात हुई। सुबह जब हुई तब हथिनी गायब थी। वह आदमी परेशान हो गया। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। फिर उसने देखा कि उसकी हथिनी सीमा पार करके पड़ोसी राज्य में पहुंच गई है और उसने एक बच्चे को जन्म भी दे दिया है। जब वह आदमी उस हथिनी और बच्चे को लेने जाता है, तब वहां के लोग उस बच्चे पर अपना हक जमाने लगते हैं और कहते हैं, तुम भले ही इस हथिनी को ले जाओ, लेकिन यह बच्चा हमारे राज्य में पैदा हुआ है, इसलिए यह हमारा होगा। उस आदमी के राज्य के लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। वे भी यही कहते हैं कि यह बच्चा हमारे राज्य में ही रहेगा। तो बताइए आप लोग, वह बच्चा किसका होगा? जिस आदमी ने उस हथिनी को पाला है, वह बच्चा भी उस आदमी का होगा, लेकिन हथिनी का बच्चा उस राज्य में पैदा हुआ, इसलिए राज्य के लोगों का ज्यादा हक होगा। बीरबल, अब तुम बताओ, उस हथिनी के बच्चे पर हक सबसे ज्यादा किसका होगा? हुजूर, वह बच्चा ना उस आदमी का होगा और ना ही पड़ोसी राज्य का। किसी भी बच्चे पर हक सबसे पहले उसकी माँ का होता है, इसलिए सबसे ज्यादा हक केवल हथिनी का होगा और हथिनी उस बच्चे को लेकर उस आदमी के साथ चली जाएगी। एक बार सहसा कंवर के महल में द्वारपाल का पद खाली था, जिसके लिए आसपास के नगर के बहुत से लोग आते हैं, जिसमें उनकी ताकत और बुद्धि को परखा जाता है। उनमें से दो लोगों को चुना जाता है। आप दोनों में से किसी एक को ही द्वारपाल बनाया जाएगा, जिसके लिए आप दोनों में एक आखिरी प्रतिस्पर्धा होगी। आप दोनों को आज रात महल के बाहर द्वारपाल बनना है, लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि आप वहाँ अकेले खड़े हुए हैं। आप दोनों को एक दूसरे से बात नहीं करनी है और आप दोनों को एक एक बिगुल और एक भाला दे दिया जाएगा, ताकि कोई खतरा महसूस होने पर आप महल के अन्य सभी सैनिकों को सूचित कर सकें। मंत्री बीरबल के कहे अनुसार दोनों महल के बाहर द्वारपाल बन जाते हैं। आधी रात बीतने पर उन दोनों को महल से दूर झाड़ियों से कुछ आवाज आती है, जैसे उन झाड़ियों में कोई छुपा हो। आवाज सुनकर पहला द्वारपाल उन झाड़ियों में देखने नहीं जाता है, लेकिन दूसरा द्वारपाल उन झाड़ियों की छानबीन करने चला जाता है। उसे वहां कोई नजर नहीं आता है और पुनः अपनी जगह वापस आकर खड़ा हो जाता है। दोनों एक दूसरे से बात किए बिना पूरी रात वहीं चौकन्ने होकर खड़े रहते हैं। अगले दिन सभा में बीरबल जी दोनों से रात की पूरी जानकारी मांगते हैं। दूसरा आदमी कहता है, रात को महल से जो दूर झाड़ियां उगी हुई हैं, वहां से आवाज आ रही थी, जिसके कारण मैंने देर न करते हुए वहां जाकर छानबीन की, लेकिन वहां मुझे कुछ नहीं मिला। आवाज तो तुम्हें भी आई होगी, तो तुमने क्या किया? माफ करें हुजूर, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन क्यों? क्योंकि द्वारपाल का काम ही होता है कि वह अपनी जगह से कहीं ना जाए और हर आने जाने वाले की खबर रखे। यदि मुझे खतरा महसूस होता तो मैं बिगुल बजा देता। सही कहा, द्वारपाल का यही काम है, इसलिए महल का द्वारपाल अब से तुम्हें बनाया जाता है।